हेलो फैमिली, होप आप और आपके बर्ड्स खराब से होंगे। गर्मियां अब पीक पे आ चुकी हैं और आगे टेम्परेचर 47 तक जाएगा, तो बर्ड्स की इस टाइम पे केयर बहुत ज़रूरी है। पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ORS मस्ट यूज़ करें उसके अंदर, और आप लोग वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज मेरा वीडियो का जो मकसद है वो है ब्रीडिंग। गर्मियों में हम जावा से किस तरह ब्रीड ले सकते हैं। मुझे बहुत से कॉल्स और बहुत से मुझे टेक्स्ट आए हैं कि भाई गर्मी बहुत आ गई है तो हम इस अब क्या करें हम, तो मैं इस पर एक छोटी सी एक वीडियो बना दूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गांडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी नई से नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज से मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, वैसे तो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ कंसल्टेंसी, जिसमें किसी को अगर विजिट भी करवाना हो लाहौर में से रिलेटेड के वहाँ पे उनको क्या इशू आ रहे हैं, वो मुझे वीडियो भी भेज सकते हैं। अगर विजिट कर उनको चाहते हैं कि मैं उनकी शेड पे विजिट करूँ, मैं विजिट भी कर सकता हूँ। मैं फेसबुक पे अपना व्हाट्सएप का लिंक सेंड कर दूंगा, आप इजीली वहाँ से मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हैं। ये सब जावा की हेल्प के लिए है, ठीक है। जो न्यू फैंसियर हैं जिनको को जो इशू आ रहे हैं वो मेरे से इस पर डिस्कस कर सकते हैं, और जो मेरी बहन या मेरे भाई नया सेटअप भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको अगर बर्ड्स चाहिए उनको बर्ड्स भी मिल जाएंगे, उनको रेडी टू ब्रीड भी मिल जाएंगे, उनको ब्रीडर पेयर भी मिल जाएंगे, उनको पट्टे भी मिल जाएंगे, और जैसे मौसम बारिशें स्टार्ट होंगी पीक पर जावा की ब्रीड सबसे पहले स्टार्ट होती है, सबसे पहले और सबसे एंड तक जावा की ब्रीड रहती है। मौसम जैसे अब बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी तो जावा रेडी होगा ब्रीड के लिए। इजीली आप जावा से उस टाइम पे इजीली हर बंदा उसे ब्रीड ले सकता है। इस टाइम पे थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ता है, और गर्मी उनको ज़्यादा गर्मी ना हो, हांपे ना, तो आप उनसे ब्रीड ले सकते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम जावा से ब्रीड ले सकते हैं और क्या हमें इस टाइम पे केयर करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जावा पूरा साल ब्रीड करता है। अगर आप इसको टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे तो पूरा साल ब्रीड, पंजाब में हम पूरा साल ब्रीड लेते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल होता है हमारा, और जो मोल्डिंग होती है उसमें उसका रेस्ट होता है, उसके बाद फिर ये दोबारा ब्रीड पे स्टार्ट हो जाता है। जावा की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दाने में जो गर्म चीज़ें हैं, भंग के बीज हैं, कनेरी हैं, जो सर्दियों में यूज़ करते हैं वो थोड़ा थोड़े कम कर दें, ठीक है। और जो मुंजी है, जिसमें हम पंजाब में जिसमें चावल का दाना होता है, कराची में मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, वो तो आप भर के डालें, ये उसका शौकीन है और ये बच्चों को बहुत अच्छी फीड करवाता है अगर वो अवेलेबल है। सेकेंडली, डेली आपने अपने जावा को ठंडा रखने के लिए सब्जियाँ लाजमी देनी है। सब्जियां देंगे वो बच्चों को फीड करवाएंगे, खुद भी ठंडे रहेंगे और बच्चों को भी ठंडा रखेंगे, और इजीली आपके पास बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बच्चे अच्छी जगह सेल्फ होंगे। जावा में जो अच्छी ब्रीड है, जैसे मैंने लास्ट भी कहा था कि मटकियां यूज करें, मुझे मेरे एक भाई हैं उन्होंने भी मुझे टेक्स्ट किया था, छोटी मटकियां जो बजरी की मटकियां हैं उसमें जावा ब्रीड अच्छी नहीं करेगा, आपको मजा नहीं आएगा। आपको कॉकटेल की जो बड़ी मटकियां हैं या बड़ी कुजियां मटकियां उनको कहें, मटकियों में सुराख करवा लें, उसमें ब्रीड लेंगे तो उसमें आपको मज़ा आएगा। लेकिन जो कुजियां हैं छोटी जो बजरी की होती हैं या फिंचेस की होती हैं, उसमें जावा ब्रीड तो कर जाएगा लेकिन बच्चे बाहर फेंक देगा या बच्चे बाहर जंप कर जाएंगे, तो फ़ायदा कोई नहीं है आपके पास, नुकसान होगा कि बच्चे बहुत जल्दी बाहर कूद रहे हैं। तो या आप बॉक्स यूज़ कर लें, लेकिन बॉक्स का ये मसला कि बॉक्स गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, मटकियाँ क्या होती हैं, मटकियाँ ठंडी रहती हैं तो वहाँ उसमें इतना इशू नहीं आता। तो प्रेफरेंस तो मेरी यही होती है कि मैं लोगों को कहूँ कि वो मटकियों में ही ब्रीड लें, मटकियों में अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब जब आपने ब्रीड लेनी है तो आपने अंडा रस, अंडा ब्रेड, ये लाजमी आपने इनको देना है, ठीक है। ज़्यादा स्टिकी ना हो, ठीक है, आपने निखरा निखरा आपके हाथ में स्टिकी ना होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। और ब्रीडिंग में अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और ये मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट किया है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। सुबह 5 बजे का टाइम
बहुत ठंडा टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है, टेम्परेचर बहुत आइडियली 26-27 पे आया होता है, उस टाइम पे आप अपने जावा को 100 फुट दें, उस टाइम पे आप अपने जावा को दाना फ्रेश होना चाहिए, दाना तो आप रात को फ्रेश कर दें ताकि सुबह उठते साथ ही वो उनके पास फ्रेश दाना होगा, वो दाना खाएंगे। ठंडे टाइम पे आप उनको ये चीज़ें दें, उनकी न्यूट्रिशन, ब्रीडिंग सीजन में भी हमें जो, अब अगर हम उनकी न्यूट्रिशंस को पूरा नहीं करेंगे तो वो अच्छी ब्रीड नहीं करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे 100 फूड और पानी फ्रेश, दाना तो मैं रात ही को फ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं 5 बजे लाइटें ऑन कर देता हूँ, 100 फूड डाल देता हूँ, पानी लगा देता हूँ, ठीक है, वो 8-9 बजे तक उनके पास बहुत टाइम होता है, वो बड़े सुकून से इजीली खाते हैं। उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आप गर्मी में ओआरएस रखें, जिसको जो गर्मी लगती जाएगी वो ओआरएस पी के अपने न्यूट्रिशंस को पूरा करेगा, अपने अपने क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइट्स के नहीं हिलेंगे और वो इजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, ठीक है, आप दोबारा उनको 100 फूड भी दे दें, दाना भी दे दें, दाना तो वैसे पड़ा ही रहेगा लेकिन 100 फूड दोबारा डाल दें, और दाना भी अगर आप हो सकता है दाना भी फ्रेश कर दें, ठीक है। मैंने ये नोट किया जितनी दफा आप दाना फ्रेश करेंगे दावा उतने ही दफा बच्चों को फीड करवाएगा। जो लोग दिन में एक दफा करते हैं, यही मसला आता है कि बच्चों को जावा सही तरह फीड नहीं करवाता, वो बच्चे बाहर मर, वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो अब मैं एक सुबह 5 बजे करता हूँ और एक मैं शाम को 4:30-5 बजे के दरमियान दाना फ्रेश और 100 फूड लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो मौसम ठंडा होता रहता है और रात को 10 बजे तक उनके पास बहुत टाइम होता है, बच्चों को फीड भी करवाते हैं और बच्चे अच्छी तरह पलते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है और ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया था कि यार ठंडे टाइम पे देखें गर्मी ज़्यादा होती है तो ये हमसे भी नहीं खाया जाता, हम भी कहते हैं यार एक दफ़ा शावर लेके आता हूँ फिर मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं। तो इसी तरह जब ठंडा टाइम होगा, ठीक है, ठंडे टाइम में इजीली ये बच्चे को खिलाएंगे भी और ये खुद भी खाएंगे और आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा।